व्हीट ग्रास जूस यानी गेहूं के ज्वारे से बने जूस को संजीवनी कहा जाता है। इसको सुबह खाली पेट पीने से ज्यादा लाभ मिलता है। व्हीट ग्रास जूस समान तरीके से पिया जा सकता है। यदि स्वाद पसंद ना आए तो शहद या नींबू या फ्रूट जूस के साथ मिलाकर भी पिया जा सकता है। व्हीट ग्रास जूस में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, एमिनो एसिड तथा कई तरह के एंजाइम मौजूद रहता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जो हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों ही क्रोमोप्रोटीन से बना है। इसीलिए व्हीट ग्रास जूस को ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि 21 दिनों तक ताजा व्हीट ग्रास जूस पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। इसलिए व्हीट ग्रास जूस पीने से एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है। एक शोध में पाया गया है कि व्हीट ग्रास जूस शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, अतः यह वजन नियंत्रण करने में लाभदायक होता है। रिसर्च से पता चला है कि व्हीट ग्रास जूस में हाइपोलिपिडेमिक प्रभाव होता है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद कोलीन कंपाउंड भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसका नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर हो जाती है। व्हीट ग्रास जूस पीने से जोड़ों से रिलेटेड सूजन या अन्य कारणों से होने वाले सूजन तथा जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाता है, क्योंकि इस जूस में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव पाया जाता है। शोध से पता चला है कि व्हीट ग्रास जूस में मौजूद क्लोरोफिल एलर्जिक राइनसाइटिस के असर को कम कर देता है। यह एक प्रकार का नाक में होने वाली एलर्जी की बीमारी है। व्हीट ग्रास जूस में पाए जाने वाला क्लोरोफिल उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इस जूस को हाई बीपी वाले तथा सामान्य बीपी वाले दोनों ले सकते हैं, क्योंकि यह हाई बीपी को कम करने के साथ साथ बीपी को सामान्य बनाए रखने का भी काम करता है। व्हीट ग्रास जूस बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर में जाकर एमिनो एसिड में टूटता है। ये एमिनो एसिड बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। व्हीट ग्रास जूस में जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो बालों को पोषण देता है। व्हीट ग्रास जूस असमय बालों को गिरने तथा सफेद होने से रोकता है। व्हीट ग्रास जूस में कोलेस्ट्रॉल तथा बीपी कंट्रोल करने का गुण मौजूद होता है, इसलिए यह हार्ट के लिए भी बहुत उपयोगी है। व्हीट ग्रास जूस लेने से प्रोस्टेट की समस्या होने का खतरा भी कम हो जाता है। यह ब्लड शुगर रेगुलेट करने में भी सहायक होता है। इसमें मौजूद जिंक पेंक्रियास को हेल्दी और एक्टिव रखता है, इसलिए यह इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी फायदा पहुंचाता है।